जो अपने विभाग में एक भी नौकरी नहीं दे पाया, दो दो बार अवसर मिला और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए। और किस तरह से राजनीति में लोक लुभावना वादा कर करके जमीनी हकीकत से हट करके सपना दिखाकर लोगों की वोट की लूट की भरमाने की वातावरण बनाना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। वाह रे राजनीत, पहले 10 लाख रोजगार, फिर 20 लाख और फिर 1 करोड़ रोजगार। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने देखना शुरू कर दिया है भारत लाइव। ये बोल हमारे नहीं, ये बोल है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की, और वो किस तरीके से तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, आज तेजस्वी यादव ने राजद के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा मैनिफेस्टो पेश किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या क्या लाभ देश में और बिहार के लोगों को मिलेगा, जिनमें से एक वादा ये भी है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ रोजगार लोगों को देंगे। अब देखना होगा कितना रोजगार मिलता है और कितने वादे जो है वो पूरे होते हैं चुनाव के बाद। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, आप इस वीडियो पे नजर डालिए। वाह रे राजनीति, हद हो गई। जो अपने विभाग में एक भी नौकरी नहीं दे पाया, दो दो बार अवसर मिला और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए। जो अपने विभाग में एक भी नौकरी नहीं दे पाया, दो दो बार अवसर मिला और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए, दिखा करके और किस तरह से राजनीति में लोक लुभावना वादा कर करके जमीनी हकीकत से हट करके सपना दिखाकर लोगों की वोट की लूट की भरमाने की वातावरण बनाना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की जननी की भूमि है, यहाँ लोभ में नहीं फंसता है लोग। हकीकत में जो जनता के सेवक के रूप में काम करता है और जमीन पर काम करता है, भ्रष्टाचारी के चक्कर में नहीं पड़ता। और जिन भ्रष्टाचारियों ने बिहार की जनता की गरीबी बढ़ाने में, बिहारी शब्द को अपमानित करने में, बिहारी को मजाक बनाने में कितना भी प्रलोभन दे देंगे, उसके जाल में बिहारी अब नहीं फंसेगा। बिहारी सब पर भारी, बिहार अपने सम्मान के लिए, अपने विकसित बिहार बनाने के लिए और विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आप कितना भी झूठा लोभ लुभावना वादा कर लें, कोई उस जाल में नहीं फंसेगा। तो सुना आपने, सीधे तौर पे विजय कुमार सिन्हा ने ये कह दिया कि जिनको दो बार मौका मिला, अपने विभाग में एक नौकरी नहीं दे पाए, वो आज 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या लोग बेवकूफ बनते हैं या फिर नहीं। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है कि अगर राजद और महागठबंधन इस बार शासन काल में आती है तो क्या कुछ होगा। अब देखना होगा विजय कुमार सिन्हा के इस बयान के बाद बिहार की सियासत कैसे बदलती हुई नजर आती है। तब तक के लिए आप बने रहिए भारत लाइव के साथ, शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।